सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का एनिमेटेड ओवरले बना सकते हो। और इस वाले ओवरले का ये वीडियो पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने कल अपलोड किया था जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप वो वाला वीडियो देख लो, उसके बाद वाला वीडियो देख लेना, आप इजीली समझ जाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैनवास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्लस वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो 16:9 रेशियो है इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आपको कर देना है डन। नेक्स्ट आपके पास जो मीडिया वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे ग्रीन कलर के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना, और इसका यहाँ पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है आपको रख लेना है 11 सेकंड्स के आसपास, और यहाँ से डन। फिर आपके यहाँ पे 0 सेकंड्स पे जाना है, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको उस वाले पेंज को ऐड कर लेना है जो हमारा मेन लेयर था ओवरले का। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद आपको जो सेकेंड वाला आइकॉन है यहाँ पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पर जो फिट हो चुका है। नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी लेंथ आपको बैकग्राउंड के साथ मैच कर लेना है, तो हो गया। नेक्स्ट हम वापस से 0 सेकंड्स पे जाएंगे, लेयर पे जाके मीडिया पे जाएंगे, और इस बारे में हम एक वीडियो को ऐड करेंगे, ये रहा वीडियो। इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे जाना है ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे, जो कि ये रहा, और ब्लेंडिंग को आपके यहाँ कर लेना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक, फिर आपके यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना, तो परफेक्टली फिट हो जाएगा। यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो देख सकते हो इसे अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम वापस से 0 पे जाएंगे, लेयर पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक कर देंगे, और इस बार हम यहाँ पे एक और लेयर को ऐड कर लेते हैं जो कि हमारा ये वाला। इसे हम यहाँ पे परफेक्टली फिट कर लेते हैं, और यहाँ से बैक। फिर आपको मुझे इन एनिमेशन वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है, और इसका यहाँ पर जो इन एनिमेशन है आपको यहाँ पर दे देना है स्केल डाउन। स्पीड आप यहाँ पर कितना भी रख सकते हो अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर इसे 1 पे रखता हूँ, और यहाँ से कर लेता हूँ डन, और इसका भी लेंथ यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको एक और लेयर को ऐड करना है, मैं यहाँ पे जो नेम वाला टेक्स्ट है इसे ऐड कर लेता हूँ, और इसे भी यहाँ पे क्लिक करके फिट कर लेता हूँ परफेक्टली। फिर यहाँ से बैक, और इन एनिमेशन पे जाएंगे, और इसका जो इफेक्ट है आपको यहाँ पर दे देना है कन्वर्ज। इसका स्पीड है मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 0.8 पे, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसका भी लेंथ हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर से 0 पे जाएंगे, लेयर पर जाके इमेज पर, फिर एक और लेयर को ऐड करते हैं। अभी जो हम यहाँ पे दोनों टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं एक ही बार में जो हमने सेव किया था, और इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे इसे भी फिट कर लेना है। फिर इन एनिमेशन पे जाके आपके यहाँ पे दे देना है इफेक्ट ये वाला स्लाइड लेफ्ट, और यहाँ से डन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे आगे की तरफ कर लेता हूँ, और लेंथ को वापस से कर लेता हूँ इंक्रीज़। नेक्स्ट हम फिर से 0 पे जाएंगे, मैं यहाँ पे एक बार इसे बता देता हूँ इफेक्ट, देख सकते हो। और हम यहाँ पे दूसरे लेयर को भी ऐड कर लेते हैं, इसे भी फिट कर लेंगे। फिर इन एनिमेशन में जाके कौन सा भी इफेक्ट अप्लाई कर देंगे जो आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो स्लाइड लेफ्ट वाला ऑप्शन है इसे अप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ से बैक। फिर जो फॉलो मी वाला टेक्स्ट था उसे भी ऐड कर लेता हूँ इसके लेंथ को इंक्रीज़ करने के बाद, इसे भी कर लेता हूँ फिट। इन एनिमेशन में जाके इसका जो एनिमेशन है मैं यहाँ पे दे दूँगा स्लाइड अप, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसका भी लेंथ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो काफ़ी कमाल का लग रहा है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो कैरेक्टर को अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं वीडियो को। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीडियो को ऐड कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद आपका मुझे क्रोमा की वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसे कर देना इनेबल, और इनेबल करने के बाद यहाँ से कर देना डन। फिर आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर देना है, और जो मेन बैकग्राउंड है उसका लेंथ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और हमारा जो कैरेक्टर वाला बैकग्राउंड है उसके साथ मैच होता हुआ सारे लेयर्स को यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं। इसके लेंथ को आपको भी कर लेना है, और इसके बाद परफेक्टली कटआउट कर लेना। सीजर वाला ऑप्शन में जाना, और यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, तो कटआउट हो जाएगा। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे कैरेक्टर वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, इसके इन एनिमेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे जो पॉपअप वाला जो इफेक्ट है इसे अप्लाई करेंगे, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा गेमिंग ओवरले यहाँ पे रेडी हो चुका है, देख सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। इसे सेव करने के लिए आपका जो शेयर वाला आइकॉन है यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसको रख लेना 1080p पे, फ्रेम रेट को रख लेना 30, बिट रेट को अपने हिसाब से रख सकते हो, और यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका जो वीडियो है फुल क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। और अगर आपको जानना है कि ओवरले को कैसे ऐड करते हैं लाइव स्ट्रीम में, और ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। सो आपके सबको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखना है तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।